नमस्ते गाइस, पता नहीं कितने टाइम के बाद एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को याद भी कैमरा में कैसे रखता था, क्या करता था, लेकिन ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यही एक चीज़ है जिसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पूरे के पूरे प्लैनेट में। तो नमस्ते, अभी चालू करता हूँ ढंग से। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें ऑलमोस्ट हर इंसान, अगर आप थोड़ा सा बस खोदोगे उन्हें, तो आपको दिखेगा कि उनकी लगी पड़ी है। और बाहर सब लोग एक चेहरा लगा के अभी घूम रहे हैं कि सब ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं लोग अपनी, जो उनको लगता है बुराइयां हैं या बुरी चीज़ें हैं या जो वो नोटिस कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में या दुनिया के बारे में, क्योंकि उन्हें पता नहीं उसके साथ डील कैसे करना है। तो हम एक्टिंग करके बाहर एक ही चेहरे के साथ कंटिन्यूसली चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो चेहरा अगर आप थोड़ा सा खोदोगे, ऑलमोस्ट हर इंसान का हट जाएगा और उसकी असलियत आपको, करंट लाइफ की असलियत जानने को पता चलेगी, जहां पे ऑलमोस्ट हर इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे कुछ चीजें हैं जिनके साथ जूझ रहा है। स्पेशली वो ह्यूमन रिलेशंस के नाते में है, क्योंकि जिस टाइप का टाइम अभी चल रहा है उसने बहुत बड़ा टोल लिया है ह्यूमन रिलेशनशिप से। मैं वो भी बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब दिक्कतें होती है ना तो हम लोग नॉर्मली मदद के लिए जाते हैं लोगों के पास, जो हमारे लोग होते हैं। और क्योंकि इस बार जो दिक्कत हुई वो इतनी बड़ी हुई, क्योंकि पिछला साल वो पहला साल था जहाँ पे लोगों को पहली बार अपने साथ अकेले बैठने का मौका मिला, कि जब बाहर की पूरी शोर शराबा जब शांत हो गया तो कोई ऑप्शन नहीं था दैन टू एक्चुअली पे अटेंशन टू दैट वॉइस जो हमारे अंदर है। और वो जो आवाज़ है उसने हमें कुछ मीठा नहीं बताया, उसने बहुत कड़वी चीज़ें हमें डाली हमारे दिमाग में, लेकिन वो एक रीज़न के लिए, क्योंकि अगर हम उस आवाज़ को अगर सुनेंगे और उसका असली मतलब समझेंगे तो हमारी लाइफ हमेशा के लिए आगे फ्यूचर में थोड़ी हल्की और सिंपलिस्टिक होगी। जो सच बताऊं तो ज़रूरत है जिस चीज़ की, क्योंकि हम लोगों ने, इंसानों ने अननेसेसरीली बिना किसी ज़रूरत के लाइफ को ओवरली कॉम्प्लिकेट कर दिया, और उसमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन टेक्नोलॉजी पर से ब्लेम करने को नहीं है, टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ किया है और किस तरह से लोगों के ऊपर उसको डाला गया है वो ब्लेम करने के लिए, तो अगेन वो ब्लेम एक्चुअली इंसानियत के ऊपर ही आता है। लेकिन क्योंकि ये जो पूरा समय था उसने हम लोग की इतनी ज़्यादा बजाई, जब हमें अपने साथ अकेला बैठना पड़ा, कि कुछ लोग थे जिन्होंने अपने अंदर की वो कड़वी आवाज़ को फेस कर लिया या उसको एड्रेस किया, उसको सुना, लेकिन सब में उतनी करेज नहीं होती। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस नेगेटिविटी को बस पास ऑन कर दिया, या जब खुद गिर रहे थे तो ये नहीं समझा कि ये ऐसा टाइम था जो हमें सिखाने आया कि हम अगर गिरे तो हमें खुद से अपने आप को खड़ा करना है। तो लोगों ने अपने जो सपोर्ट सिस्टम्स थे या जो लोग थे जिनसे उन्हें प्यार मिलता था या सहारा मिलता था, हम सब ने काइंड ऑफ उन सिस्टम्स को थोड़ा अब्यूज़ किया, और उसकी वजह से वो ह्यूमन रिलेशंस में दिक्कतें आई हैं, फैमिलीज में दिक्कत आई हैं, शादियों में दिक्कतें आई हैं, बिजनेस पार्टनर्स में दिक्कतें आई हैं। क्योंकि इंसान जबकि इतना इंटेलिजेंट है फिर भी वो इतना बेवकूफ़ है कि जब कोई दिक्कत होती है ना तो हम और जी और कम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आके एक्ट करते हैं। तो जब हम और कम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आके एक्ट करते हैं तो हम फालतू में वो जो दर्द हम नहीं संभाल पा रहे या हम नहीं उसको कन्वर्ट कर पा रहे इन टू समथिंग पॉजिटिव फॉर आर सेल्स, हम वो दूसरों के ऊपर किसी ना किसी रूप में डाल देते हैं। डायरेक्टली नहीं डालते, लेकिन किसी फालतू चीज़ के ऊपर से गुस्सा आ गया या फिर अपने दुख को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू देम बीइंग द रीजन फॉर इट, या काफ़ी सारी चीज़ें, और उसकी वजह से ये जो टाइम था उसने करेंटली इंसानियत पे बहुत बड़ा टोल लिया है, मतलब बहुत बड़ा हिसाब कर रहा है वो इंसानियत के साथ, जहाँ पे अगर ये वाला टाइम अभी चलता रहेगा, अभी सच में आप अगर जितने लोगों से बात करोगे, अगर आप थोड़ा सा खोदोगे और वो मास्क उतारने की कोशिश करोगे प्यार से, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि सबके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, सिर्फ आप नहीं हो, और सिर्फ आप नहीं हो साथ में उनके साथ भी जो दिक्कत चल रही है वो बहुत खतरनाक है।
लेकिन इस पूरे के पूरे टाइम में ना एक ही लेसन है, वो ये है कि हमने खुद से अपने अंदर प्यार कैसे भरना है, क्योंकि हम इतना कंडीशन हो चुके हैं ये मानने के लिए कि हमें अपनी लाइफ के बारे में अच्छा तभी लगेगा जब हमारे को कुछ मिलेगा बाहर से। जबकि चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे आप कुछ दो या ना दो, आप फिर भी एक जगह पे बैठ के एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो सकते हो, या फिर एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो सकते हो जहां पे यू फील वन विद एवरीथिंग अराउंड यू। और वो फीलिंग ऑफ वननेस तभी आती है जब हम जेन्युइन प्यार, सिर्फ प्यार नहीं जेन्युइन प्यार, क्योंकि प्यार मैं कहूंगा काफी हद तक सेल्फिश होता है, बट जेन्युइन प्यार जहां पे चाहे वो चीज तुम्हें मिले या ना मिले, चाहे वो इंसान तुम्हें मिले या ना मिले, तुम एक फीलिंग ऑफ प्यार हो। और जब तुम वो फीलिंग ऑफ प्यार में होते हो तो तुम्हें एक कनेक्टेडनेस फील होती है पूरे संसार के साथ। आज मैं आप लोग से बात कर रहा हूं जबकि करीबन पता नहीं कितने टाइम से मैं भी, क्योंकि अपने लाइफ के करेंट साइकिल के साथ जा रहा हूं, जो मेरे अपने सबक हैं, कि मैं बिल्कुल एक्सप्रेशन में कंफर्टेबल नहीं था। क्योंकि स्पेशली अगर आप मेरी यूट्यूब की जर्नी देखो तो जो यूट्यूब के हमारे चमगादड़ फौज है उसमें से काफी लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं वो एक जगह पे रहूं, यू नो वो एनर्जी वो गालियां वो सब जो मेरा ही एक प्रीवियस वर्जन था, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि वो शायद सोशल मीडिया पे या फिर लोगों को इमिडिएटली खुश करने के लिए उतना अच्छा काम ना करे और वो मुझे पीछे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन चाहे वो हो या जो मेरे करेंट लाइफ की साइकिल चल रही है, जिनकी वजह से मेरा एक्सप्रेशन उतना नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहां पे जितना तुम शांत रहोगे उतनी ज्यादा तुम पावर इकट्ठी करोगे। क्योंकि अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हारी अवेयरनेस और अटेंशन बढ़ेगी, और अगर तुम्हारी अवेयरनेस और अटेंशन बढ़ेगी तो तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं हर चीज को तुम एक अलग नजरिए से देखोगे। और यही बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम में जो चल रहा है, क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम है जहां पे अगर लोगों ने अपने अंदर नहीं देखा और बाहर ही देखते गए कि बाहर चीजें खराब है, बाहर कुछ फिक्स करना है तो लाइफ ठीक होगी, बाहर कुछ अचीव करना है, बाहर कुछ अक्वायर करना है, जो लोग उसी थॉट प्रोसेस में अटके रहेंगे वो जिंदगी भर सोते रह जाएंगे, क्योंकि वो वही चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जबकि ये जो टाइम है इसको आप बहुत अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट से पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जो अभी धरती पे चीजें चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स सबसे लास्ट प्रायोरिटी है अभी। ठीक है, अभी प्रायोरिटी है कुदरत और बाकी कुछ चीजें, जो इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स लास्ट प्रायोरिटी है। लेकिन उसमें भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक लेसन है, क्योंकि अगर तुम लाइन के एंड में भी खड़े हो ना तो तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी है सब जो सामने तुम्हारे खड़े हो उनको एक बैकग्राउंड वाले नजरिए से देखने की। और जब तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन अगर तुम फिर भी ये देख रहे हो कि मेरे पीछे कोई क्यों नहीं है और मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं क्या अक्वायर करूं, मैं क्या पाऊं ताकि मुझे अपनी जिंदगी बारे में अच्छा लगे, क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम है जहां पे सब लोग अंदर बहुत कुछ हो रहा है लेकिन बाहर सब रुका हुआ है, स्टैगनेंट है, नई चीजें हिल पा रही, ठीक है, बहुत स्लो स्पीड है बाहर लाइफ की। लेकिन वही हमारा सबक है कि हम समझ सकें कि कोई स्पीड का लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे कितने गए, हमारे आगे कितने बचे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरा संसार तुम्हारे साथ ही है। और तुम डिसाइड कर सकते हो, अगर तुम वो पहचान पाओ अपने अंदर कि तुमने एक कैसा स्टेट मेंटेन करना है अवेयरनेस का, मतलब कैसा तुम, जैसे हमने प्यार की बात करी, क्या तुम वो प्यार में रहना चाहते हो या वो तुम प्यार से बाहर रहना चाहते हो, क्योंकि प्यार की तरफ ही हम सब भाग रहे हैं किसी ना किसी तरह, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, ताकि हमें अपने बारे में अच्छा लगे। लेकिन हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने बारे में अच्छा फील करने की, अगर मैं सच बताऊं तो। और ये मैं बोल रहा हूं, जो बंदा इस चीज के साथ ऐसे ऐसे लेवल्स पे स्ट्रगल करता है कि मुझे पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरी वो स्ट्रगल रुकेगी और मैं पूरी कहानी को एक बार डिटेल में बता सकूंगा। मैंने ऑलरेडी अपने डिप्रेशन के बारे में तो बहुत इस चैनल पे बात करी है दूसरे लोगों को मदद करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसी रियलाइजेशन है जो ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट है इन अ वे, मतलब ये सबके लिए है और ये हमेशा सच रहेगी कि अगर तुम बिना किसी बाहर वाली चीज के प्यार फील कर सको तो जिस तरह से तुम हर चीज को देख रहे हो वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अगर मैं इस चीज के बारे में तुम्हें
मैं जानता हूँ कभी कभी मैं ऐसी बातें करता हूँ जो कुछ लोग सर से ऊपर सर के ऊपर से निकल जाती है, यार थोड़ी ज्यादा डीप हो गई है, क्योंकि मेरा नया वर्जन थोड़ा आई थिंक ज्यादा ठहराव वाला है, या ज्यादा आई थिंक जस्ट लाइफ की मच्योरिटी आई है थोड़ी, कि लोगों को लगता है कि मतलब समझ में नहीं पाते जब जो अपने नॉर्मल यू नो जूनियर लेवल चमगादड़ है, जो थोड़े अभी भी स्टार्टिंग में है रस्ते के, कि अगर मैं एक प्रैक्टिकल तरीके से तुम्हें ये बताऊं कि तुम क्या कर सकते हो, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं तुम्हारे आसपास उनको छोड़ दो, और ये नहीं बोल रहा हमेशा के लिए छोड़ दो, बस ये बोल रहा हूँ कि बाहर जाओ, जो तुम्हारे थोड़े डिस्टेंट फ्रेंड्स हैं जिनको तुम साल में कुछ बार ही मिल पाते हो, या फिर कोई स्ट्रेंजर्स भी हो गए, उनके साथ थोड़ी बात करो, चाहे तुम जितने भी बुरे स्टेट में हो, तुम उनकी लाइफ के बारे में पूछो और थोड़ा गहरा जाओ, और थोड़ा बताओ कि हाँ आजकल तो काफी बुरे टाइम चल रहे हैं, और फिर तुम्हें दिखेगा कि उनको थोड़ा ओपन अप करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और वो जब ओपन अप करेंगे ना, तो बस तुम एक ही कोशिश करो कि तुम उन्हें थोड़ा सहारा दे सको, और सहारा किस रूप में, प्यार के रूप में, प्यार इमिजिएटली एक्शन नहीं डिमांड करता है, ठीक है, प्यार एक समझ डिमांड करता है, क्योंकि अगर किसी इंसान में थोड़ी सी मच्योरिटी हो या थोड़ी सी कॉन्शियसनेस हो, तो वो समझ सकेगा जब कोई चीज उसके फॉर है या कोई चीज उसके अगेंस्ट है, अगर कोई चीज उसके फॉर है, स्पेशली इंसानों की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब उस इंसान को इस इंसान के लिए प्यार है, किसी रूप में, किसी भी रूप में हो, बट है। तो जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, आप सिर्फ उनकी लाइफ के बारे में पूछो, और उनके जो बुरे टाइम चल रहे हैं, चाहे आपकी लगी पड़ी है और आपको लगता है आप भी केपेबल नहीं हो उनको थोड़ा सहारा देने के लिए, आप फिर भी दो, ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज है इस टाइम के लिए, क्योंकि पॉजिटिविटी की साइकिल हर जगह से रोकने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है एटमोसफेयर में, और क्योंकि हम अपनी नहीं संभालते, हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, तो वो पास ऑन करती जाती है, लेकिन आप किसी और के साथ बात करने टाइम इतना सा ध्यान रख सकते हो कि आप कम से कम अपनी तरफ से उसके अंदर सिर्फ प्यार डालो, चाहे आपको अभी प्यार अपने खुद के लिए नहीं है, चाहे आपको अभी लगता है कि आपकी लाइफ में किसी भी एंगल से प्यार नहीं आने वाला, क्योंकि वही एक चीज है जो हम सब खोज रहे हैं, अचीवमेंट, सक्सेस, पैसा, वो सब सब एक नीड की वजह से पैदा होता है, उन सबका हंगर जो है प्यार, और वो नीड बाहर के रूप में इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें लगता है कि इस दुनिया की रियलिटी में बाहर का वो कुछ इकट्ठा करेंगे तो हमें यू नो अपने बारे में अच्छा लगेगा, और फिर लगेगा हम कहीं पहुंच गए या कुछ हो गया, लेकिन मैं अगर सच बताऊं तो सेवा करनी किसी की भी, चाहे वो पशु पक्षी जानवर धरती भगवान माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग गरीब कोई भी हो, वो सेवा करने में ही असली प्यार आपको फील होएगा, ठीक है। आज मैं खुद कहीं से वापस आ रहा हूँ जहां पे मैं कुछ लोगों को मिला बहुत टाइम बाद, और मेरे को क्योंकि पता है अभी, क्योंकि मैं इंसानों के साथ डील करता हूँ और मैं हमेशा से थोड़ा इंसान की नेचर की तरफ काफी सेंसिटिव रहा हूँ, इसलिए मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी रही थी मेल फीमेल बिहेवियर में, इसलिए मैंने इतना ज्यादा मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी पढ़ा कि डेटिंग के राजा बन गए हम यूट्यूब पे, लेकिन मेरे को आज फील हुआ जब मैं उन लोगों के साथ बैठा इतने टाइम बाद, वो शहर में नहीं रहते, कि उनके साथ भी चीजें ठीक नहीं है, जबकि जब मिला हूं तो सब यू नो खुशी से मिले हैं, मतलब गले मिल के ये वो, फिर जब 1-1.5 घंटे हम बैठे तो मेरे को पता चला यू नो एक की शादी खत्म हो रही है, एक है जो अपनी जिंदगी का पूरा आज तक क्या किया उसको क्वेश्चन कर रहा है, एक है जो इतना डर गया है बिकॉज पहले जो एक्सपीरियंसेस हुए उनके साथ, जिसकी वजह से वो सिर्फ काम करता है और कुछ नहीं करता, और उसको कुछ और चाहिए भी नहीं, लेकिन ये डर है जो हमें लाइफ में पार्टिसिपेट करने या इन्वॉल्व होने से रोकता है, और अगर हम लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो चीज़ें हम जब यहाँ पे होते हैं इस स्कूल ऑफ लाइफ में, ये जो हमें सिखाने के लिए भेजा गया है यहाँ पे, अगर हम वो लेसन्स को नहीं सीख के नहीं इन्वॉल्व होंगे तो हम पछताएंगे, ऐसी बात नहीं है कि अवॉइडेंस में अगर जिया, पार्टिसिपेट अगर नहीं किया, दूर हो गए जिन चीज़ों से जो हमें तंग कर रही है कि वो दूर चली जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो एनीवे आई थिंक मैं काफी कुछ बोल गया हूँ, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इतने ज्यादा टाइम के बाद मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, और ये कैमरा मैंने खोला है जस्ट यूट्यूब के लिए, जो पता नहीं कितने टाइम से नहीं खुला है, बट ढेर सारा प्यार,
मेरी तरफ से तुम लोगों को पता है जब मीटअप्स वगैरह पे होता है मिलते हैं हम लोग, तो मैं ऑलमोस्ट हर बंदे के साथ गले मिलता हूँ। और अगर मैं जो भी ये बंदा देख रहा है, जो भी कोई भी ये वीडियो अगर देख रहा है, अगर मैं आपको अभी गले मिल सकता तो मैं आपको मिलता, क्योंकि मेरे पास अभी इतना प्यार है अपने अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा बांट सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी वही करो, क्योंकि हम सबके अंदर है वो, हम बस इतना कंडीशन हो गए बाहर वो खोजने के लिए कि हमें अपने अंदर वो मिलता नहीं है। और वो मिलने के लिए हमें पहले पहचानना पड़ेगा कि अपने अंदर ही पड़ा हुआ है, फिर हम उसको ले सकते हैं अपने अंदर ही डालने के लिए। लेकिन अगर वो मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी लाइफ को हम कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव तरीके से देखते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, तो दूसरे के लिए करो ज़्यादा आसान होता है। जिस तरह से मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते, सी यू गाइस सून। बहुत अच्छा लगा मुझे।